नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ग्राम पंचायत मदनपुरा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का सपना देखा था सरपंच सुनीता धाकड़ ने, जो कि अब पूरी पंचायत के सहयोग से पूरा होता नजर आ रहा है। जैसे बारिश के पानी की निकासी के लिए मदनपुरा से हाथिया खेड़ी रोड पर नाले का निर्माण कराया गया, जिससे कि सभी निकलने वाले राहगीरों को सुविधा होगी। साथ ही ग्राम पंचायत भवन और राजकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदनपुरा के सामने नाले का निर्माण किया गया है, जिससे कि गांव का पानी जलभराव के लिए मदनपुरा की तलाई एकत्रित हुए, जिससे कि जमीन में पानी का स्तर बढ़े। एक नाले का निर्माण जीएसएस मदनपुरा के पीछे कराया गया है, जिससे कि कृषि भूमि का पानी निकल सके और जीएसएस बाउंड्री सही रहे। साथ ही कालियाखेड़ी ग्राम में हो रहे कीचड़ को देखते हुए अभी इंडिया लॉकिंग और साथ में नालियों का निर्माण प्रगति पर है। ग्राम रघुनाथपुरा में स्कूल के सामने गली में जो पानी निकलने की समस्या थी, उसके लिए वहां पर इंटरलॉकिंग बनाई गई है। ग्राम मदनपुरा में खेल मैदान का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही सारा काम समय पर पूरा होगा। खेल मैदान में जो पौधारोपण किया गया, उसके लिए पूरी गर्मी में टैंकर से पानी पिलाया गया, जिससे कि पौधे ना सूखे, और उसके साथ में ही पौधों की दो बार गुड़ाई की गई, जिससे कि पौधा जल्दी बढ़े। जनता की सेवा का जो मौका मुझे मिला है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पंचायत की जो भी समस्याएं हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करूंगी। और जो बड़ी से बड़ी परेशानियां, वो भी दूर हो रही है। और जैसे हाथियागिरी रोड नाला निर्माण है, और पंचायत भवन के सामने नाला निर्माण है, और जो जीएसएस सामने नाला निर्माण के साथ ही कालियाखेड़ी में इंटरलॉकिंग का कार्य भी अभी प्रगति पर चल रहा है। और जो मेरे पास जो भी समस्याएं आती है, मैं उसको जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि अधूरी पड़ी हुई आंगनबाड़ियाँ है, और ये खाद्य सुरक्षा भंडार है, उनका निर्माण भी जल्द से जल्दी कराने का प्रयास करूँगी। थैंक यू मैम।